हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको DDO यूनिवर्सिटी गोरखपुर के BA का मॉडल पेपर बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम ईच ग्रुप गिवन बिलो। इसमें से मिसस्पेल्ड वर्ड को चूज़ करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर D मॉडल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का A प्रिवलाइज्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 फिलिंग द ब्लैंक्स है, यू मस्ट बी बैक -5 o'clock ऑप्शन C बाई होगा। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव अ हॉलीडे -क्रिसमस, तो इसमें ऑप्शन नंबर A एट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्चुएटेड बाय ग्रीड ऑफ मनी मर्सनरी। क्वेश्चन नंबर 6 अ मैन हुज वाइफ इज डेड ऑप्शन बी विडोवर। क्वेश्चन नंबर 7 पोटेंट का अपोजिट मीनिंग है फ्रैगल। क्वेश्चन नंबर 8 हमड्रम, हमड्रम का अपोजिट एक्साइटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 9 चेरिश, चेरिश का नियरेस्ट मीनिंग होगा नर्चर। क्वेश्चन नंबर 10 ग्रीगेरियस, इसका नियरेस्ट मीनिंग सोशिएबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर B रत्नाकर है। चौराहा में कौन सा समास है, द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 13 जिसका इलाज संभव ना हो उसके लिए उपयुक्त सब है कठिन। क्वेश्चन नंबर 14 इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द चुनिए, शिव का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ऑप्शन नंबर A है हर। क्वेश्चन नंबर 15 इनमें से तत्सम शब्द चुनिए, तो ऑप्शन नंबर C होगा जल। क्वेश्चन नंबर 16 इनमें से ललित निबंधकार के रूप में किसका प्रतिष्ठा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से ललित निबंधकार के रूप में किसकी प्रतिष्ठा है, ऑप्शन D विद्यानिवास मिश्र। इनमें से कौन भक्तिकालीन का कवि नहीं है, तो ऑप्शन A दीनदयाल गिरी। क्वेश्चन नंबर 18 जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर D जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19 हिंदी का साहित्य का स्वर युग किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर B भक्ति काल। क्वेश्चन 20 पृथ्वीराज रासौ किसकी रचना है, ऑप्शन C है चंद्रवरदाई की रचना है। क्वेश्चन नंबर 21 उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, जहाँ सबसे पहले सूरज निकलता है वह देश है जापान। क्वेश्चन नंबर 22 विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन A है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। 24 है क्वेश्चन नंबर भाकड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। क्वेश्चन नंबर 26 NCTE है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 27 है जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं, 24। क्वेश्चन नंबर 28 चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है मार्बल में। क्वेश्चन नंबर 29 एक बैंक शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है यदि यह RBI एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है, इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन D।
क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 12 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 31, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता जाता है? ऑप्शन नंबर ए कथा साहित्य फिक्शन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 32, चौथा खंबा संप्रत्यय संदर्भित करता है प्रेस को।